गाने वाले कौन बज रहे हैं? बज रहे हैं आप हमारे हीरो हैं जयदेव और कैसे जयदेव शर्मा जो भी गाएंगे उसका हम दुख लेंगे। हम उनके पहले सर उनके साथ हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं और आज नैना सर नैना के बारे में क्या कुछ अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें नैना के बारे में? आँखों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और जो लिखा जाता है वो नैना एक बहुत गाना सामने आ रहा है इसको सुने मेरी तरह ही इसका मतलब। सर इस गाने को कोई गाना अगर आपका डेडिकेट करना चाहे आशीर्वाद के रूप में? ये नया डरे हुए ये नया डरे डरे ये जाम डरे हुए जरा तो इस नैना में भी वो नशा है और तुम्हारी है और बहुत खूबसूरती है इसका लुक। थैंक यू सर। आई एम हियर फॉर जैज़म शर्मा एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नैना। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वरुण एम्पलीफाई टाइम्स के हेड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। नैना इज़ अ ओरिजिनल कंपोजिशन कंपोज बाय माय यंगर ब्रदर जैज़म शर्मा। मुझे बहुत ये बताते हुए फ़ख्र और बहुत ही खुशी है कि क्या होता है कि कितने जो प्रयास होते हैं ना मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो बताना ज़रूरी है मैसेज देना बहुत ज़रूरी हो कि लोगों का जो सोचने का जो तरीका है कि म्यूज़िक अगर हिट होना चाहिए तो वाया फिल्म म्यूज़िक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई ज़रूरी नहीं। म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। आप अच्छा म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हो आप अच्छा म्यूज़िक कर रहे हो वो एक ना एक दिन उसकी जीती जागती मिसाल है जैज़म शर्मा। मतलब ये मेरे छोटे भाई हैं इसलिए नहीं थैंक यू सो मच क्योंकि इन्होंने हर दिन कम से कम 100 गाने तो रिलीज़ होते ही होंगे मिनिमम 100-150 गाने कम से कम रिलीज़ होते होंगे। उसमें अपनी पहचान बनाना और अपने म्यूज़िक को ज़िंदा रखते हुए अपनी आत्मा को ज़िंदा रखते हुए अपनी धरोहर को ज़िंदा रखते हुए तो वो काम ये कर रहे हैं जैज़म शर्मा जी। तो नैना इट्स ऑल अबाउट यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। आई जस्ट सॉ दी कंप्लीट वीडियो कंप्लीट सॉन्ग फेसबुक पे मैं गाड़ी में बैठे हुए देखते हुए आ रहा था। तो एक तो इनकी सोलफुल आवाज़ और दूसरी कंपोजिशन जो है उसका जो ग्राफ इतना खूबसूरत है वर्ड्स के हिसाब से कंपोजिशन होनी चाहिए ना कि कंपोजिशन के हिसाब से वर्ड्स हो तब बात बनती है। और इनको जैज़म शर्मा जी ने जो एक टच दिया है फ्यूजन का वर्ल्ड म्यूज़िक का और एक फोक एलिमेंट साथ में रखा है तो ये तीन मिक्सचर है फ्यूजन वर्ल्ड म्यूज़िक एंड फोक तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जितने आज के जितने भी सिंगर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ में गाइए जो आपकी खुद की आवाज़ है उसमें गाइए आप जो भी आपका अच्छा होना होगा उसी में होगा। किसी को फॉलो करो हम भी इंस्पायर होते हैं हर किसी से होते हैं सब कुछ है। ही हैज़ हिज ओन वॉइस इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। इन्होंने अपनी आवाज़ कभी बदली नहीं कि समय बदल रहा है तो मैं मेरी आवाज़ बदल लूँ ये टेक्सचर चेंज करूँ तो वॉइस का टिम्बर चेंज कर लूँ नहीं मैं यूँ हूँ मैं जैज़म शर्मा हूँ मैं आऊँगा तो ऐसे ही आऊँगा नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। तो जैसे हो वैसे रहो और अपना काम दिल से करो। और मैं नैना सॉन्ग के लिए यही कहूँगा कि ये बहुत 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 सराहा जा रहा है ऑलरेडी क्योंकि मैं कुछ कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ लोगों के जो वाकई म्यूज़िक जानते हैं म्यूज़िक सुनते हैं अच्छी चीज़ की सबको भूख होती है। अभी मुझे अंदर कोई कह रहे थे कि गज़ल की मार्केट नहीं है इसकी मार्केट नहीं है ये सब सॉल रबिश ऐसा कुछ नहीं है आप डिलीवर करिए सब चीज़ की सब मार्केट है क्या बात मैदान खाली पड़ा है। अभी असली घी अवेलेबल नहीं होगा तो लोग डालडा घी लेंगे ना जब असली घी अवेलेबल होगा तो असली घी लेंगे तो ये असली घी है। बेसिकली ये बहुत ही
प्यारा सा गाना है और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक पंजाबी फोक है, उसका हमने कोरस रखा है इस गाने में जो है लंग आजा पतन चना दायार लंग आजा पतन चना दायार, दिस इज पंजाबी फोक सॉन्ग। क्या बात है। और बाकी मैंने सब उसके हिसाब से वर्ड्स के हिसाब से जैसा कि सर ने बताया उसको सब नया ग्राफ दिया उसको, नए ढंग से उसको कंपोज किया, मतलब उसकी आत्मा को रख के इन्होंने उसको एक नया नया रूप दिया है। और बस यही है कि हमेशा ही मेरी यही रहती है कोशिश कि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है उस पर बहुत काम मैं अपनी तरफ से भी करूं। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूं एम्पलीफाई का और जिन्होंने ये इतने अच्छे से इसको लॉन्च किया है, और बैरल्स का जिन्होंने इतना खूबसूरत ये सब हमारे लिए ये नाइट इवेंट रखा है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। और सब आर्टिस्ट का, दीपक जी का, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने मुझे डे वन से बहुत सपोर्ट किया है और इनकी बहुत कंपोजिशंस मैंने गाई भी हैं, इनकी बहुत खूबसूरत गज़लें, और जगजीत सिंह जी ने इनके इनके म्यूज़िक में भी बहुत गाया है। और नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और मुझे सच बताऊँ ये बोलते हुए बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगेगा, जगजीत अंकल कहता था मैं उनको, क्योंकि ही वॉज़ लाइक फादर फिगर फॉर मी। तो उनके जाने के बाद थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे हम सभी लोग, पूरा वर्ल्ड, कि गज़ल कहाँ जाएगी। बट सच बता रहा हूँ, जब जैज़िम को सुना तो लगा नहीं, गज़ल रहेगी, थैंक यू, जिंदा रहेगी। हाँ जी, इसके अलावा और काफ़ी गज़लें हैं जो मैं बेसिकली लाइनअप हैं और मैं कंपोज कर रहा हूँ अच्छे अच्छे शायरों की कुछ अच्छी अच्छी गज़लें, और बस यही कोशिश है कि एक बड़े लेवल के साथ बड़े पैमाने पर उसका वीडियो बने, एक अच्छी मार्केटिंग हो, क्योंकि लोगों को जिस जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक है उसी लेवल पे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक अपना रास्ता बने। right. और गज़ल, काफ़ी गज़लें कर रहा हूँ। एक मूवी आ रही है मिस्टर पानवाला, वो मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर कर रहा हूँ अभी वो मूवी, उसमें कुछ गाने हैं, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि उसमें श्रिया जी, राहत साहब और अरिजीत सिंह जी, विशाल ददलानी जी, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो उसमें गा रहे हैं, उसका म्यूज़िक ये कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशंस हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, एंड आई होप कि वो भी आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मेरी एक जाते जाते एक आखिरी चीज़ आज के लिए, एक सभी मीडिया वाले जितने मेरे भाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रेस मीडिया हो, कि प्लीज़ आप लोग जैसे आज आए हो और प्यार अपना दे रहे हो और बांट रहे हो और आशीर्वाद दे रहे हो जैज़िम को, हम सबको ही, तो प्लीज़ बस अच्छे म्यूज़िक के लिए आप लोग क्या बात, खूब लिखिए, खूब उसको बढ़ाइए। मीडिया में वो पावर है कि वो ज़र्रे को आफ्ताब, आफ्ताब को ज़र्रा बना सकता है। तो बस ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, रितेश का इवेंट है और मैं ना हूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो थैंक यू रितेश फॉर कॉलिंग मी यार, और आप सब से मैं मिलता रहता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही मेरी खास जगह है, मैं काफ़ी पार्टी करता हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए म्यूजिक की परिभाषा क्या है और क्या है आपके लिए म्यूजिक? आप तो एज एक्टर है और जर्नलिस्ट भी है, लेकिन म्यूजिक में कितना रुचि रखते हैं? म्यूजिक के बगैर तो यार सांस नहीं चलती है मेरी, ऑनेस्टली अगर बताऊँ मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल थॉट से बिलोंग करता हूँ, तो म्यूज़िक के मामले में मैं तो आज भी लता जी और किशोर कुमार जी को सुनता हूँ, लेकिन आजकल का म्यूज़िक थोड़ा है, अगर थोड़ा पार्टी वार्टी का माहौल होता है तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है, हनी सिंह इज़ बैक, दिल चोरी साडा हो गया, हंसराज हन, मुझे याद है 98 की मेमोरी है, मेरा बहुत ही खास गाना था जो आज रिक्रिएट हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। शादी वादी में बहुत नाचते हैं हम लोग, आई बिलोंग टू दिल्ली नॉर्थ इंडिया, तो म्यूज़िक बहुत ही दिल के करीब है। गज़ल तो ऑफ कोर्स हमेशा अच्छी रहती है सुनने के लिए, जब आप यू नो थोड़े से सैड होते हो या किसी और मूड में होते हो तो गज़ल हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन जगजीत सिंह साहब जी को मैं बहुत सुनता था पहले भी और आज भी सुनता हूँ, तो गज़ल काफ़ी करीब है मेरे दिल के। सबसे पहले नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना अच्छा लगा म्यूज़िक आपको, थोड़ा सा अगर म्यूज़िक के बारे में बताओ।
वेल नैना तो नैना सबके बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते. एंड मेरी लाइफ में हमेशा नैना का एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग रहा है. सो ये वीडियो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था. इट वॉज़ ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग विद अ फैमिली, बिकॉज जैज़म को मैं एक्चुअली पहले से भी जानती हूँ एंड बाकी के लोग ऑफकोर्स नए थे. बट आई रियली सपोर्ट दिस मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, बिकॉज हमारे देश में बहुत टैलेंट है. जैज़म की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑफ हिज वॉइस, एंड आई थिंक जो भी है सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. सो दिस इज़ बिन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें ये वीडियो बनाने में आया है उतना ही आप सबको देखने में भी आए. आप सब जानते हैं शायद, आई डोंट नो कितना जानते हैं, लेकिन जैज़म का जो ख़ास जॉनर है वो गज़ल है, और जो लोग उसकी गज़ल सुनते हैं वो जानते हैं कि नैना क्या होगा. लेकिन इस नैना को जिस तरह से प्रेजेंट किया है उसमें सूफ़ी अंदाज है, गज़ल अंदाज है, कुछ थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा फोकिश, बड़ा मिक्सचर सा एक अटेम्प्ट किया है. और And I'm so proud of him because पहले दिन से जब से मैं इस बच्चे को, मेरे लिए तो बच्चा है, और जब से मैं इसे जानती हूँ, और शायद मेरी ये prediction थी और मेरी ये आशीर्वाद था कि जैज़म ज़रूर एक दिन बहुत अच्छा करेगा और हमारा future है, तो ये मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है. पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हैं लेकिन इस बार जो किया है ये कुछ बहुत ही नया सा है, और आई एम रियली होपिंग कि सब सुने और इसे अप्रिशिएट करें और बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिले जैज़म को, आशीर्वाद मिले आप सबका. रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसे आप कैसे देखती हैं, बदल रहा है कहीं ना कहीं? अच्छा है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है. सृष्टि में बदलाव नहीं होगा तो फिर कैसे पनपेगी सृष्टि? तो ये तो बदलाव उसका एक नियम है. और संगीत में भी जो बदलाव आया है वो कुछ हद तक अच्छा भी लग रहा है, और अच्छा अच्छा काम, ख़ास करके जो सीखे हुए लोग हैं, जिन्हें जो टैलेंटेड हैं, वो तो कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. पुराने गानों को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. कुछ गाने बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसमें नए अल्फाज और नई धुन मिक्स करके, जैसे कि नैना में भी किया है कुछ ऐसा ही, तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे जब मैंने सुना उसे. तो आई थिंक अच्छे के लिए है ये बदलाव. आज के खास मौके पर ऐसे कोई गाने के जो रोल आएंगे अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ सुनाना चाहते हैं? यही गाना थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं. कौन सा? अपना यही वाला नैना. हाँ, और क्या उसमें? हाँ, लंग आ जा पत्र चना दया, लंग आ जा पत्र चना दा, ओ लंग आ जा पत्र चना दया, लंग आ जा पत्र चना दा. क्या बात. थैंक यू. कोई भी अच्छा म्यूज़िक आता है तो खुशी होती है. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए मैं हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ, और अगर जैज़म की बात करें तो मैं पर्सनली उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ. सबसे अच्छी बात है कि अपने हिंदुस्तान में बहुत कम यंग जनरेशन में गज़ल सिंगर्स हैं, तो उनमें से मेरे फेवरेट हैं वो जैज़म शर्मा हैं, और वो एक नए तरीके से नए पैकेज में ये नैना लेकर आ रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं नैना के लिए. नया जो दौर चल पड़ा है रिक्रिएशन का, गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं, उसके लिए क्या है, मतलब आपके व्यूज़ क्या है? मुझे नहीं पसंद आते. मेरा व्यूज़ ये है कि जो पुराने गाने हैं वो पुराने अपने एक कहते हैं ना धरोहर है. आप जब आप पुरानी इमारतों को जो बहुत ही हेरिटेज बोला जाता है उनको अगर आप ऐसा सजा देंगे तो वो
उसकी खूबी चली जाएगी. बट कुछ गाने जो बिल्कुल पुराने थे जिसकी टोनल क्वालिटी भी बिकॉज ऑफ बहुत साल हो गए हैं, 50 साल पुराने गाने हैं, उनको नया रूप दे के लाया जाता है और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर लाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. बट अभी अगर 10 साल पुराने गाने या 8 साल पुराने गाने या 15 साल पुराने गाने जो ऑलरेडी अभी अपनी खुशबू उनमें बची है, उसको फिर से रिक्रिएट और अच्छे तरह से नहीं बुरे तरह से, तो मुझे नहीं अच्छे लगते. मैं जब मैं जिस चीज़ को मैं ही पसंद नहीं करती हूँ तो मैं रिक्रिएट क्यों करूँगी. हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जैसे सूफी संगीत है या फोक है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको सब अपने अलग अलग अंदाज में गाते हैं, क्योंकि फोक किसी की जागीर नहीं होती है. तो उसको तो जितना फैलाया जाए, चाहे वो सूफी संगीत हो चाहे फोक हो, उसको मैं करना फिर भी पसंद करती हूँ. लेकिन जो ऑलरेडी गाने हैं इतने दिग्गजों ने गाए हैं उनको छेड़ना मुझे नहीं लगता सही है. मैं अब वेट कर रही हूँ बहुत ही बेसब्री से पद्मावती का. तो और उसके अलावा मैं अपने खुद के सिंगल पे, जैसे कि नैना आ रहा है, ऐसे ही लास्ट 2-3 महीने पहले मेरा गाना आया था नैना जोड़ी, और अब नैना आ रहा है. तो मैं पद्मावती प्लस अपने नए सिंगल का वेट कर रही हूँ. अरे ऐसे कैसे, उसके लिए फिर से आपको ऐसे आमंत्रित इनवाइट भेजा जाएगा और थोड़ा और तैयार होकर आऊँगी और अच्छे से गाऊँगी. अभी कैसे. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहिए और कितनी मेहनत की गई है, कितनी प्रिपरेशन की थी आपने नैना के शुरू होने से पहले और अब जब बन गया है गाना तो क्या क्या कैसी रही है. जी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ माई वेरी सेकेंड सॉन्ग. और हमने पूरी टीम ने बहुत सोचा, एक कॉन्सेप्ट बनाया और बहुत मतलब उसके बारे में सोच के हमने उसको मैंने उसको डायरेक्ट किया और आज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो आपने म्यूजिक को लेकर कितनी मेहनत की और म्यूजिक के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आपने. यस, इसका म्यूजिक जैसे कि हम जानते हैं कि जैज़िम ने किया है, कंपोज भी उन्होंने किया है और म्यूजिक उसका इतना सूथिंग है, इतना अच्छा है. और जैसे हमने म्यूज़िक सुना तो हमें ये ख्याल आया कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, इसका ऐसा सेट लगेगा और पीछे ऐसा बैकग्राउंड होगा. यस yes. और आने वाले समय में ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें, सिंगल या फिर मूवी. यस डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर. मैं हम जैज़िम के ही 2-3 और गाने कर रहे हैं विद गज़ल्स बिकॉज ही इज़ अ गज़ल सिंगर. सो रिक्रिएट का दौर चल रहा है, ऐसा कोई गाना है जो आपको लगता है कि रिक्रिएट किया जाना चाहिए इस दौर. हाँ, ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो रिक्रिएट होने चाहिए, जो कि उन्होंने रिक्रिएट किए भी हैं बहुत सारे गाने. अगर आप उनका नाम सर्च करोगे तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब के बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए हैं. ओके, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी एंड तेजस्वी मेरी पर्सनली बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्शन किया है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती, वो सब हमेशा की तरह सरप्राइज रहता है. दो लाइनें अगर कोई गाने की आप इस को डेडिकेट करना चाहते. देखिए मेरा एक तो गला ख़राब है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड मैं बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं कर सकती और मैं सिंगर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं थैंक यू. नैना तो मैंने अभी सुना नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ अंदर सुनने की. और जैज़िम बहुत ही कमाल के कलाकार हैं और उनके साथ में आज रिचा जी हैं, जसविंदर जी हैं जो मेरी बहुत ही पसंदीदा सिंगर्स हैं. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ सूफी एट दिस प्लेस एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दिस. वेल माई लास्ट सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड जज्बा जिसमें ऐश्वर्य राय और इरफान खान थे, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है. और अब जो अगला आ रहा है वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में ही आ रहा है. आई हैव ऑलवेज बीन एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आर्टिस्ट और अब जो मेरा अगला गाना है बिकॉज आई हेल फ्रॉम दिल्ली और अभी कुछ साल से मैं बॉम्बे में हूँ, फिल्म के लिए गा रहा हूँ, तो अब मेरा एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, बहुत जल्द सभी को सुनने के लिए मिलेगा. जो कंपनी है किस तरह की कंपनी है थोड़ा सा अगर हमारी
एम्पलीफायर टाइम्स एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है और नैना एक इंडिपेंडेंट गाना है जो आज का जो कमर्शियल दौर है जहाँ पे बहुत सारा कमर्शियल म्यूजिक होता है, उस कमर्शियल म्यूजिक में जो हमारा हिंदुस्तान का कंट्री म्यूजिक है, जो क्लासिक म्यूजिक है, फोक म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, उस म्यूजिक को आज कोई भी प्रमोट नहीं करता। तो एम्पलीफाई एक ऐसी कंपनी है जो इसी तरीके के म्यूजिक को प्रमोट करती है और इसी तरीके के म्यूजिक के आसपास काम करती है। जैसे मैंने पूछा था कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाती है, जैसे टी सीरीज की बात करें, जी म्यूजिक की बात करें, तो ये कंपनी सबसे कैसे अलग है? देखिए, देर आर बिग जाइंट्स इन द कंपनी, मतलब वो जो सभी कंपनीज जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हम सबके रोल मॉडल्स हैं, बट उन कंपनीज़ का मेन एजेंडा है, दे डू मेनली फिल्म म्यूज़िक और कमर्शियल म्यूज़िक, और इसी वजह से आज की डेट में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे पब्लिशिंग कंपनीज आएँ जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को प्रमोट करें, बिकॉज लॉट ऑफ आर्टिस्ट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू प्रमोट एंड पुट यू नो देयर इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स। तो आज इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स को रिलीज़ करने के लिए ऐसे सेटअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हिंदुस्तान के क्लासिक आर्टिस्ट के साथ काम करें। तो आने वाले समय में क्या यंगस्टर्स को भी मतलब इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने का मौका? बहुत सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम लोग 1.5 साल में कुछ 450 गाने रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें टोटल 1200 से ज़्यादा आर्टिस्ट हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं। तो मतलब एंड मेनली 95% उसमें सब यंगस्टर्स ही हैं जो आज के दौर के लोग हैं। जाजिम इज़ वन ऑफ द यंगस्टर, और जाजिम हिंदुस्तान का पहला ऐसा यंगस्टर है जो गज़ल प्रोडिजी है, और ही इज़ अ गज़ल एक्सपोनेंट, और हिंदुस्तान में वही एक ऐसा इंसान है जो गज़ल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। नैना के बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट? सिद्ध, हम लोग के महीने में कुछ 15 से 20 रिलीजेज होते हैं, बट इसके जस्ट बाद विशाल कोठारी का एक गाना है जो हम लोग शूट कर रहे हैं, प्रॉब्ली आई एम डायरेक्टिंग दैट सॉन्ग ऑन 18th, तो अब वो गाना है जिसके लिए वी लुकिंग फॉरवर्ड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे मेरे को जैजिम द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इज अ ब्रिलियंट सिंगर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई एम अ सिंगर इज वेल। सो बाकी इस गाने के बारे में, इट्स अ सूफी सॉन्ग एंड आई थिंक सो जैजिम ने प्रोड्यूस किया है इसको, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सबको पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा गाना, मासेस को भी पसंद आएगा। सो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सबके साथ, इवन अनुष्का जी के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेज है दोनों के लिए। यस, मेरा एक सिंगल आने वाला है, दैट इज़ दिल का सौदा हुआ, एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, और वो गाना, उस गाने के बारे में बताता हूँ आपको। इट्स अ सॉन्ग विच वी हैव, इट्स अ कवाली बेसिकली, एंड वी हैव फ्यूज दैट सॉन्ग विथ अ गिटार, सो दिस सॉन्ग इज़ गोना बी रियली, आप लोगों ने कभी लाइफ में ऐसा गाना सुना नहीं होगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। वेन्यू इट्स लाइक माई सेकेंड होम। मैं जब पार्टी करके या शूटिंग करके बहुत थक जाता हूँ, और उसके बाद में पार्टी करने वाला होता है, तो सीधा भैया को फ़ोन जाता है, फिर तोहित को फ़ोन आता है कि भाई खुला है क्या, भाई कहते हैं आजा तुम्हारे लिए खुला है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूज़िकली म्यूज़िकल नाइट है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई थिंक ये पहली अनप्लग्ड सूफी म्यूज़िकल नाइट हो रही है बैरल में, एंड वेरी हैप्पी फॉर देम। भाई के बहुत सारे और ऐसे जगहें खुल रही हैं, और ऐसी बहुत सारी रातें होने वाली हैं, वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड भाई का सिंगल लॉन्च हो रहा है, विशिंग हिम लक एंड मे गॉड ब्लेस हिम, एंड बहुत बड़ा हिट होगा गाना, और आई थिंक अगले थर्सडे हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, सो अगले थर्सडे फिर आ जाना। म्यूजिक में कितना रुचि रखता है और किस तरह का गाना सुनता है? म्यूजिक में रुचि, म्यूजिक की जिंदगी है इस टाइम, तो और कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, बट मुझे सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद है, तो उसका वो गाने हैं जो मैं सुनना पसंद करता हूँ। आपका कोई अपकमिंग एल्बम जो आप शेयर करें? मेरे फरवरी में दो गाने लॉन्च हैं, एक होली के आसपास आएगा फरवरी एंड में, और एक वैलेंटाइंस पे आ रहा है, वैलेंटाइंस वाला इट्स अ रोमांटिक सैड सॉन्ग, और जो होली पे आ रहा है वो है इट्स लाइक अ फुल ऑन पार्टी नंबर, पंजाबी ट्रैक है वो, तो यस भाई भाई मैं पूछ भाई उन गानों का लॉन्च भी यही होने वाला है, तो हम लोग फिर यही मिलेंगे। सो भाई एक वो पेपर वही है तो गाओ साथ में, गाओ साथ में, आप गाओ ना बेपरवाया करना तू यारा, मैनू तू जहां तो भी प्यारा।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी फॉलो नहीं नहीं है, मैं एक्चुअली लास्ट वोट फॉर विकास गुप्ता लास्ट हाँ वोट फॉर विकास गुप्ता हैशटैग विकास गुप्ता FTW फॉर द विन। बट नहीं मैंने पिछले आई थिंक 8 हफ्तों में बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। मैंने इनिशियली 4-5 वीक्स मिस हुए थे मेरे, बट जब आई थिंक विकास जब वो घर कूद के भागने वाला था उसके बाद से मैं रेगुलर हुआ हूँ, बट अभी बहुत रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैं तो विकास को ही ऑब्वियसली आई एम रूटिंग फॉर विकास गुप्ता, बट बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है शिल्पा जी और विकास में। ही ना ऑब्वियसली टॉप 3 में है, बट आई थिंक उस घर में रह के जो सीखा है वो ये है कि जब जो भी जीतता है ओवरऑल एज अ कैरेक्टर आपके कैरेक्टर में कितना ग्राफ आता है, कितने अप्स एंड डाउन आते हैं, आप उससे क्या सीखते हैं और कितने बेटर ह्यूमन बींग बनते हैं, कितने टास्क करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक विकास ने वो सब कुछ किया है एंड ही इज डूइंग रियली वेल एंड उसको मास्टरमाइंड तो करार कर ही दिया गया। सो आई एम गेसिंग विकास जीतेगा। यार मैं कोशिश कर रहा था, मैं फिनाले पे जाने वाला था, बट आई डोंट थिंक अब जा पाऊंगा बिकॉज शूट है, बट मे द बेस्ट विन्स यार तीन। इनफैक्ट पुनीश है वहाँ पे, चारों इक्वली डिजर्व करते हैं, बट डेफिनेटली ग्राफाइज वो तीनों ऊपर है। सो विशिंग ऑल फॉर ऑफ देम गुड लक एंड मे द बेस्ट विन्स। थैंक यू सर। सर नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका भी जो गाना था नैना, नैना ही मेरी लाइफ है यार, सब नैनो से ही, सारे जितने भी हैं सब नैनो की बातें करते हैं। और अभी बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी मूवी में एक नैना ही सॉन्ग और सुनने को मिलेगा बहुत जल्दी। देखिए आज कल जिस तरीके से लोग बाग चल रहा है, रिक्रिएट का मामला चल रहा है, सब लोग नई नई कोशिश कर रहे हैं और सबके लिए एक आसानी हो गई है। पहले एक ज़माना था बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, आज सब अपने कवर निकालते हैं और पेश कर देते हैं जनता के सामने, तो वो भी ज़माना था ये भी ज़माना है। तो अगर आपको कोई गाना अगर ऐसे कोई रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सा गाना होगा? अगर वो गाने की दो लाइनें आप सुना दें हमारे? देखिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं गाऊँ फ्रेश ही गाऊँ, मगर अगर जो ऐसी बात है तो मैं बहुत पसंद करता हूँ तीसरी मंजिल सॉन्ग, रफी साहब का गाया हुआ गीत। बैठो ना दूर हमसे। थैंक यू सर।